मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई जैसा आप सबसे हमने वादा किया था भाई, आज है 29 अक्टूबर यानी कि संडे वाला दिन। और भाई आज है हमारी फ़्लाइट लेह के लिए 10:20 पे। भाई मैंने आप सबको ये तो क्लियर कर दिया था कि भाई मैं जा रहा हूँ संडे, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई हम जा रहे हैं ले, मैं, अंकुर, मोहित, हम तीनों लोग। और भाई आज मैंने व्लॉग ना अपनी गाड़ी से स्टार्ट किया है, पुलिया से ही मैं घर से, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था इस चक्कर में। तो भाई इसलिए डायरेक्ट अपन गाड़ी पे आ गए हैं, क्योंकि यार हम नहीं चाहते बिल्कुल भी लेट होना, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं अभी भी थोड़ी बहुत देर लेट ही हो गया हूँ, क्योंकि मेरे को 4:30 पे निकलना था और अभी 5 बज रहे हैं, एक्चुअली 5:10 हो रहे हैं अभी इस वक्त भी। और अंकुर और मोहित दोनों लोग भाई तैयार होके जिम पे पहुँच भी चुके हैं, बस मेरा वेट कर रहे हैं, बस मैं जा रहा हूँ। तो भाई फटाफट से बिना किसी वक्त चूड़ी के सबसे पहले भाई यहाँ से निकलते हैं और उनको पिक करते हैं, वो अपनी गाड़ी से है। गोली दे भी लग रहे दोनों के दोनों। सो गाइस निकलने का टाइम आ गया अब यहाँ से। और मोहित दाऊद जी हमारे भैया सुबह सुबह आए ना के यार लौटो के, मौत धुलने की नौबत नहीं है, मौत होने में भी इतनी सी हो गई। और मोहित दाऊद आ रहे दो बार नहा गया, रात में भी नहा है, रात में भी नहाया और सुबह फिर तुमसे नहा के नहीं आया है। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कल सुमित का बर्थडे था भाई, कल जो होली खेली है, मैं कह रहा हूँ होली पे भी होली नहीं खेली जाएगी इतनी, कल बर्थडे पे होली खेली है, तगड़ी खेली। कैसी खेली है? गोबर से और मिट्टी से, गोबर से और मिट्टी से चकाचक होली खेली है, जिनके बाहर बेहतरीन वाली होली खेली है। एंडिंग तो मूवी हुई है भाई, मैं तो नहीं नहा कसम से, क्योंकि मैं हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं सबको कर रहा था ना, चक्कर में हुआ ही नहीं हूँ, नहाया मैं भी नहीं हूँ। हाँ मैं और अंकुर भाई नहा नहीं, वही जाके नहाएंगे, वही दाग हमारे सुबह नहा दो के टिंच हो गया है। पत्थर वाटा, बड़े बड़े वाटा करूँ, बड़े बड़े वाटा, तीन बार तो मुझे आंखों के सामने तो ईंटा गए, बैक टू बैक नहीं पड़ रहे थे, बैक टू बैक तीन में बता, एक सेकंड के उन्हें देख ले कितना एक्सपीरियंस है, ईटा मारने को लड़ाई है तुरंत ले चली हो। एनएच चौके अपन जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे लगेंगे, 5:30 से 6:30 7:30 8:30 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, 10:20 की हमारी फ्लाइट, नहीं इतनी भी वो नहीं, मतलब नॉर्मल 100 पे भी चलाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। इसी चक्कर में सुबह जल्दी निकलता हूँ ताकि भाई देर ना हो, भगानी ना पड़े हमें गाड़ी। 2000 years later. Habibi, welcome to Dubai, Barkati. So guys, finally 3 घंटे की लंबी जर्नी के बाद भाई पहुंच चुके हैं अपन दिल्ली एयरपोर्ट पे, पार्किंग पे जस्ट अभी भाई गाड़ी लगाई है। और इतना टाइम तो लगा रहा हूँ दिल्ली से ले जाने में, लगे इतना टाइम भाई, हमारे वृंदावन से यहाँ तक आने लग जाता है। हमारा जेवर वाला है वो बन जाएगा जब एयरपोर्ट, उसमें फायदा होगा, गुरु पास के पास 1 घंटे में पहुंच जाया करेंगे। सबसे पहले भाई कुछ खाना है, क्योंकि सुबह सब भूखे आए थे, अब मोहित पार्टी देगा एयरपोर्ट पर ही। मोहित के को मेरी माल लो खोल के। चेक इन हो गया है अंदर, सिक्योरिटी चेक भी हो गया अपना, अब बस अभी बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ खाना अपने को क्या मांगा, 2300 बाकी है, ब्लैक लेवल, ठीक है। अंकुर व्लॉग में दिख रही है, ये क्या देख रहे हो तुम, जिसके पैसे तुम देख रहे हो ना, ब्लैक लेवर ब्लू लेवर, देखो फ्लाइट में बैठे हो अभी, टेक ऑफ भी नहीं हुई, उससे पहले तो देखो इनकी ब्लैक लेवर ब्लू लेवर चालू हो गई है, गंदी चीजें देख रहा है, गंदी चीजें देख रहा है। बाहर निकले हैं, अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान दोनों ही बॉर्डर एरिया पास पड़ता है, तो भाई अंदर बिल्कुल भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो भाई हमने बनाए भी नहीं, क्यों अच्छा नहीं लगता भाई, देखो ये सिक्योरिटी पर्पज से। तो अभी जस्ट भाई टैक्सी की थी, अंदर ही आपको मतलब मिल जाती है, जैसे निकलोगे ना, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, तुरंत बाहर निकलती टैक्सी काउंटर है, और जो है टिकट के हिसाब से 550 कुछ लेते हैं वहाँ तक लेके मेन मार्केट तक जाने के लिए। भाई 3 लोगों का पड़ा है, और मोहित बाबू हमने आगे बैठा दिए, क्योंकि इनको थोड़ी बड़ी सीट चाहिए होती है ना, चौड़ी सी ली है। अंकुर बाबू हमारे संग बैठे हुए हैं, और भाई बेहतरीन नज़ारा, एक नंबर है, आपको बाहर में दिखाता हूँ, ये देखो एकदम एकदम क्लियर स्काई, एकदम व्यू है एकदम क्लियर स्काई। और भाई उस साइड है देखो, ये ना इस साइड जो है, इस साइड अपना वो था एयरपोर्ट, बहुत हल्की हल्की सी मतलब तुम्हें दिख जाएगी झलक, मतलब ऊपर से बनाई थी कुछ क्लिप सी, मतलब प्रॉपर नहीं बनाई क्योंकि अलाउ नहीं है, तो भाई हम नहीं चाहते कि ऐसे करे फिर इलीगल काम,
बट अभी सीधा होटल के लिए जा रहे हैं। होटल पे रुक के भाई सबसे पहले थोड़ी बहुत देर आधे घंटे रेस्ट करना अपने को और आराम आराम करके नहा धो के भाई फिर निकलेंगे शाम के टाइम। अभी 12:30 बजे होंगे, 3-4 बजे के आसपास जब निकलेंगे घूमने के लिए। क्या है चलो देखने लायक, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है पर हाँ बहुत क्यूट है, अच्छा मतलब साफ सफाई एकदम, एनवायरमेंट क्लीन स्काई। और मोहित बाबू की तो बस एयरपोर्ट से बाहर निकलती निकलती सांस चढ़ गई थी। नहीं मेरी नहीं चढ़ी, झूठ मत बोला यार। गलत बात नहीं, गलत क्या ना चढ़ी, ना चढ़ी मतलब घर पैदल आ जाएंगे। सही बात है, बंदा आए थे कैसे कह रहा है, सांस चढ़ गई। कितनी चढ़ गई अंगूर की, तो नाक में खून निकल गो तो अभी प्लेन में बैठ के रही है वहां से, अभी प्लेन में बैठ के नहीं है उसने एयर होस्टेस को बुला के कह रहा था बोतल मिल जाएगी क्या। वो कह रही केवल इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं है। ठीक है देख देख लो ब्लॉग में डालूंगा, ठीक है ठीक है, भिजवाऊंगा टेंशन मत लो तुम। ये देखो आते ही स्वागत के मजे ले रहे हैं पटका वटका पहन के। ये फीलिंग आ रही है वृंदावन में नहीं जाते चाहते कि हम वो जो पटका वाला पहना देते हैं राधे राधे वाले पटका एंट्री करते हुए वाले, बिल्कुल वैसे ही फील आ रही है राधे राधे। और एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, कैसा टेस्ट कैसा है अच्छा लगता, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, बहुत बेहतरीन कसम से भाई बहुत बेहतरीन यार। अंकुर आते गए सबसे पहले टीवी चलाओ, कॉफी मिल गई तो कॉफी बनाओ। मोहित कह रहा लॉक तो बताओ, लॉक ना मिल लो। मोहित कह रहा लॉक बताओ, लॉक ना मिल लो। अंकुर बेचारा नहाते के तैयार रहे, कौन सी बोलेगा लोशन कौन सा लेगा, मोहित लेक भी को लड़की को चोरी को मांग के लिए लेके नहीं आओ है। सही थी बता कौन से मांग के लेके नहीं आओ है। और देखो इतनी देर से आया यहाँ पे, जब से पता क्या चल रहा है, ये इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है भाई, मैच देखा जा रहा है। जब से स्टार्ट हो गया भी नहीं हुआ, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 बजे से होगा। जब से यही बैठे आराम से, कोई नहाने गया, अब अंकुर नहा के आया है, जब से मैच देख रहा है आराम से। आज का दिन पूरा इंडिया के लिए, कौन जीतेगी अंकुर? सो गाइस एवरीबॉडी इज रेडी, सब नहा धो के भाई तैयार हो गए, मस्त नहाए। मोहित नहीं नहाया क्योंकि मोहित घर से नहा के आया था और अब टाइम आ गया है सुबह 4 बजे। और भाई अब टाइम आ गया निकलने का, नहा धो के तैयार हो गया, जा रहे मेन लेक ही मार्केट की तरफ। तो इसको लॉक वॉक कर दे ठीक है, कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बता देना भाई। सेक्सी बॉय, तू बदमाश ही है यार, बदमाश लग जा रहा, बदमाश ही है। हमारा जो होटल है ना लिटरली इतना प्यारा, इतनी प्यारी जगह पे है। ये देखो आपने देखा होगा लेह की सबसे फेमस जगह क्या बोलते हैं इसको, स्तूपा, वो डायरेक्ट बिल्कुल सामने यार, दिख नहीं रहा कहाँ है। पास करके देखो भाई इस साइड है, थोड़ा बिल्डिंग के पीछे से इधर से दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर टेरेस से दिखाऊँ, लेकिन हमारे रूम से भाई दिखता कि हमारा रूम सेकंड में ना, हमारा रूम भाई ये वाला सेकंड वाला। और ये भाई होटल है अपना, बहुत प्यारी लोकेशन पे, बहुत प्यारी, इसका व्यू भी काफ़ी जो है अच्छा है। और बिल्कुल मेन मार्केट से पास में ही है, मेन मार्केट आ गई है, बस वो आ गया भाई अपने सामने, ले पैलेस से एकदम जस्ट सामने वहाँ पे। अभी चलें शाम को, चलें शाम को, पहले तो खाएंगे, कुछ भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि हमने सुबह खाया था। झरना नाले नाले की तो यूँ करो झरनो है, पर हाँ ये पानी भी पहाड़ को ये साफ है यार, नाले का पानी भी सब बर्फ का है ना। अच्छा भाई हमें अभी यहाँ पे लेक ही मॉल रोड पे आके पता चला कि आज संडे है और संडे को जो है ये पूरा मतलब मार्केट बंद रहता है। पैंगोंग लेक चले हैं अभी, पैंगोंग लेक चले, पैंगोंग लेक है दूर है बहुत, 4-5 घंटा की रास्ता है, नहीं यही घूमेंगे गुरु। अभी पूरा मार्केट बंद है, कल खुलेगा, आज क्योंकि संडे को ऑफ रहता है, हमें भी नहीं पता थी, तो आज भाई यही खाएंगे पियेंगे आस पास घूमेंगे ले पैलेस वगैरह, आपसे मतलब खा के फ्री होते हैं। और ये भाई अपने जो ले की जो मेन मार्केट है, जो पूरा मार्केट बंद पड़ा है, हमसे एक भारी मिस्टेक हो गया, हम इसको ही पूरा वो समझ रहे थे मार्केट में, क्या लगा यही मार्केट है छोटी सी, अंदर आके पता चल रही है भाई ये मार्केट नहीं है, ये पूरी मार्केट है, इसमें एंट्री छोटी है भाई, एग्जिट बहुत काफ़ी बड़ी है, इसमें भाई काफ़ी हाँ है क्राउड मतलब अच्छा खासा, और काफ़ी लंबी जो है मॉल रोड भी है। मैं कह रहा हूँ यार कभी ज्यादा छोटी सी नहीं, कुछ तो कैम खत्म है गई, मैंने कोई आया ना लद्दाख, कसम से ऐसा लगा पोपट तो हो गया, मैंने कोई है ही नहीं यार, वो लोड पूरी बंद पड़ी है,
लेकिन ना टूरिस्ट है ना कुछ है, लेकिन हाँ भाई अब दिख रहा है अच्छा खासा क्राउड। अब है मॉल रोड छोड़ के अपन आ गए बिल्कुल अंदर जो इनकी लोकल जो मार्केट है भाई। यहाँ पे रेट भी काफ़ी कम है, अगर शॉपिंग किसी को करनी हो ना तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वहाँ से अगर आप आगे चल के आओगे ना तो अलग ही छोटी सी गली में देखो ये भाई इनकी लोकल मार्केट है। इतनी छोरी घुमा ली अब जे और घुमा नहीं रह गई तो चोरे क्या भाई इतनी लड़कियां घुमा ली अब ये भी रहेगा घुमाने के लिए। गंदी बातें मत करो, मैंने कोई लड़कियां नहीं घुमाई है। अंकुर ने तो घुमाई है बहुत सारी लड़कियां। अंकुर ने घुमाई है गंदी बात। अंकुर अंकुर ने घुमा। ओ भाई साहब फेरू मुझे बॉय मुझे अंकुर घर ले चले ना अपने आप आराम से बजा तो रही हूँ तेरी कसम। हम आ गए हैं लेह की पालिका मार्केट में। दिल्ली की पालिका है ना ये भी पालिका है लेह की, बस फर्क इतना है कि वो अंडरग्राउंड है ये भाई ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे ही है और बिल्कुल डिट्टो सेम है। नौकी चीज 900 में। हमारे यहाँ जो चश्मे की रेडी लगाते हैं ना जो 90-90-100 रुपए के जो चश्मे देते हैं, अभी मैं चश्मा लाना भूल गया था अपने गाड़ी में रह गया तो मैंने पूछा था तो भाई कितने के वही 600 रुपए का चश्मा था प्लास्टिक का चश्मा जो रेडी पे मतलब जो साइड में 90-100 रुपए का मिलता है। हमने कह रहे दो आँख बंद करके रह लेंगे चश्मे की जरूरत नहीं है, हेलमेट पहन लेंगे वो बहुत है। 600 रुपए में एक टाइम को खाना खा लेंगे। ये देखो भाई साहब किस चीज़ की स्नैप ले रहे हैं। किसका नाम है ये कशिश? किसका नाम है? हमारी एक बहुत अच्छी फैन है। हमारी एक बहुत अच्छी वो है सुनना बहुत अच्छी वो बता नहीं रहे पर कौन। फाइनली भाई अपने को चश्मा मिल गया, सस्ता तो कहने मिला। 400 रुपए के दो दिए हैं, एक मोहित ने ले लिया एक मैंने ले लिया, पर हाँ उससे सस्ता भाई वो तो 600 रुपए का बता रहा था। हमारे यहाँ 100-100 रुपए में मिलते हैं, पर ठीक है आते तो वहीं से कुछ ना कुछ तो भाई कमाने के लिए बैठे। मैंने बोला भी था मैंने कि यार तुम बहुत महंगा दे रहे हो, मैं इतना महंगा क्यों दे रहे हो? तो बोलता है कि हमारे ना दुकान का रेंट बहुत है इसीलिए। अभी हमारे अंकुर भैया भूख लग रही है, देखो फोटो शूट चालू है। अंकुर एक जैकेट उतार के भाई साहब दिखा देख, नहीं नंगो है जा। पेंट भी उतार दियो संग में। 3 मंजिल में सांस खुल गई है। हाँ 3 मंजिल में सांस खुल गई है, ऑक्सीजन कम है। 3 मंजिल चढ़े हैं भाई ऊपर खाना खाने के लिए होटल पे आए थे और सांस खुल गई है। पर मेरे काम भूल दिए क्योंकि मैं मोस्टली इंक्लाइन करता हूँ ट्रेडमिल पे, बट फिर भी हाँ यार ऑक्सीजन कम है ना। ऑक्सीजन तो कम है ही है भाई, सर्दी का तो फर्क पड़ता है ऑक्सीजन कम है। पर इसका भाई व्यू अच्छा है इसलिए आए थे 3 मंजिल चढ़ के। ये रेस्टोरेंट का भाई बहुत प्यारा व्यू है, यहाँ से सारे ये इतनी ना हिमालय की भाई सारी वो दिखती है रेंज। ये देखो पूरा पैलेस भाई ऊपर, बहुत प्यारा व्यू इसका। उधर खाना भाई एक नंबर तुम्हारी कसम, मज़ा आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वृंदावन में खाना खाया है क्या, बहुत टेस्टी खाना है। क्या नाम था इसका? फूड पैराडाइज रेस्टोरेंट भाई। तो भाई अपने को तो खैर थोड़ा ऑफ मिल गया, बट वैसे भी खाना बहुत लिटरली अच्छा है, मजाक की बात नहीं। आप एक बार ट्राई करना जरूर आके, बिल्कुल मेन मॉल रोड पर है द फूड पैराडाइज। अब लगी है ठंड, खा के लगती है ठंड। अब कह रहा है एक बिमल मिल जाए अंकुर बस खाने के लिए। रजनीगंधा तुलसी भाई वापस से आए होटल पर लौट के, क्योंकि भाई पूरा घूम लिया मॉल रोड वगैरह, खाना पीना खा लिया सब। और अभी हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन भाई अंधेरा जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, शायद आपको दिख रहा होगा सनसेट भी हो गया। मतलब कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा पर हाँ भाई अच्छा खासा भाई सनसेट हो गया। दूसरी चीज़ क्या भाई, आज हमारा फर्स्ट डे है तो हम ज़्यादा घूमे नहीं है, क्योंकि वॉकिंग में हम इतनी घूम सकते क्योंकि यहाँ पर नियर बाय ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मॉल वगैरह ये सारी चीज़ें वो हम घूम लिए। अब आती है चीज़ें भाई कल घूमने, तो भाई कल करेंगे हम बाइक रेंट, उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए। क्योंकि आज सब ने होटल वालों ने सजेस्ट किया बोले भाई आप आज ज़्यादा मत घूमो वरना आपकी सांस फूलेगी फिर आपको कल प्रॉब्लम होगी। तो नॉर्मल टैबलेट वगैरह भी लिया है इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है तो ले लेंगे, अभी तक तो खैर कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है ना ऐसा कुछ ऐसा फील हुआ अभी तक, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। पर अब आए वापस से तो अब घूमेंगे। देखो ये शांति स्तूपा सामने जो बता रहे थे, बट भाई यार ये हमारे ना एक्चुअली वो है कैफेटेरिया है, यहाँ पे चेयर वगैरह बाहर भी रखवा सकते हो आप, अभी अंदर रखी हुई है। और जो उसका व्यू है ना उस साइड का भी दिखाऊंगा मैं आपको, पहले भाई इस साइड का व्यू देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है सनसेट का, यार बहुत प्यारा है अंकुर, बेहतरीन यार। मोहित नीचे रूम में रुक गया, हम आगे थोड़ा इनके देख के तो आए ऊपर से क्या कैसा व्यू आ रहा पता चले। तो भाई आज का दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है, अभी तो थोड़ा बहुत मैच देखेंगे नीचे जाके, पर आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे ये है। अब तो बस कमरे की बकचोदी दिखाएंगे आपको क्या रात में सीन चलता है। बट भाई जो यहाँ की जो पीस है जो लोकेशन है ना यार,
मतलब वो नेक्स्ट लेवल है, ये कहते हैं ना एक अलग कोई चीज़ फील करना, कोई वाइब, वो वाला सीन है, बहुत प्यारा। उस साइड और दिखा के आता हूँ, उस साइड दिख जाएगा, उधर लाइटिंग है थोड़ी अंकुर, तो लाइटिंग के चक्कर में और प्यारी लग रही है वो सारी चीज़ें उधर की। ओ भाई ये देखो, उधर नहीं है क्या बेलकनी, ये देखो, हाँ अब ये अंधेरा हो जाएगा ना तो और अच्छी लगेगी। और उस तरफ सामने पहाड़ों पे देखो बर्फ है, अपन जाएंगे ऊपर जाना, अपने को पता नहीं उस साइड जाएंगे कहाँ जाएंगे पता नहीं है, बट कल जाके पता चलेगी, ले पैलेस वगैरह जब जाएंगे तब पता चलेगी। अब आगे गुरु जुगाड़ अच्छी है, बेहतरीन भाई। ऊपर टेरेस का हमने लॉक खुलवा लिया, का लॉक लगा देते हैं ये लोग भाई, हमने इसका जो लॉक खुलवा लिया यार, अब देखो व्यू, अब दिख रहा बेहतरीन। हाय हाय वो यार यही छोड़ जाओ अंकुर यार, मुझको लेके मत जाओ। ओ भाई साहब सबके फोटो शूट हो गए बेहतरीन हो भाई, रात में एक नंबर का भाई नज़ारा सामने, मस्त सब शर्ट उतर उतरवा के कर रहे थे। अब जा रहे नीचे वापस से अपने रूम में। वेटर कहाँ रह जाते हो आप यार, आप गेट खोलो फटाफट से हमारा। ये देखो अपनी भी पहन रखी, मेरी जैकेट भी पहन ली, खाली एक शर्ट में घूम रहा है आदमी और घर जाके बीमार हो रहा है। ये बादाम की ताकत है, 100 बादाम डेली खाते हैं, 100 बादाम। देखो बाबूजी को देखो, आती रह रही घुस गया है बिल्कुल। देखो और ये आदमी, ये आदमी टाइम पास के लिए नहीं, गर्मी के लिए ये लेके आया है। नहीं वो तो नहीं, वो लेके आया, क्या लेके आया, ये लेके आया। वैसे इसको ठंड लग रही है, नारियल पानी की लग रही है, नारियल पानी लेके आया है, ठंड नारियल पानी पिएगा ठंड में। वैसे इसको ठंड लग रही है, ठंडी बोतल डाल उसके ऊपर। नीचे वाले ये है, वो है कहाँ जाओ, श्राप दे दो उसको, श्राप दे दो, श्राप दे दो उसको, श्राप श्राप दे दो। बस भाई अपना दिन अब इसी के साथ खत्म करेंगे, एकदम चकाचक मैच के साथ। इंडिया का मैच आ रहा है, जब गए थे तभी देख के गए थे, मुझे लगता है वो खेल ली थी क्या इंडिया, कितने रन बनाए, 229 कितने पे, 9 विकेट पे। यार आज तो भाई इंडिया ने बहुत कवर बनाया, 229 रन बनाए हैं, पर भाड़ में जा रहे तो हमें क्या भाई, हमारा घूमना हो गया, लेके ट्रिप हो गई। अब भाई मस्त आराम से इस मैच को जो है एंजॉय किया जाएगा भाई, आराम से यहाँ बैठ के। एक काम कर, छाती पे लगा ले जाए, रजाई के अंदर घुसेड़ दो, है मतलब ठंड भी लग रही है, फिर नाल पानी पीने भी बैठो भाई, कितनी वो लग रही है, देख लो इस इंसान को। वैसे ऐसे घूमने आ रहा था सर्दी में, और यो कह रहो सुन मुझसे करो वहाँ बर्फ तो मिलेगी ना, मेरे क्या बिना मिलेगी, अरे यार बर्फ नहीं मिलेगी देखने के लिए, और अब देख अब इतनी ठंड लग रही है, रजाई में घुसो बैठो, हीटर लगा रखो है। सो गाइस आज का डे भाई हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम थोड़ी बहुत देर भाई मैच देखेंगे आधे घंटे, देन मैच देखने के बाद में भाई खाना पीना, हम ऑलमोस्ट अभी कुछ टाइम पहले हमने खाया था, अब मन नहीं है, अगर आज में भूख लगेगी तो भाई ऑर्डर कर लेंगे, मंगा लेंगे पैसे, बट और मन है नहीं घूमने, अब कहीं जाना नहीं, क्योंकि भाई सुबह 4 बजे के उठे तो भाई थक गए हैं, तो अब जल्दी सो जाएंगे आज, क्योंकि भाई कल सुबह जल्दी उठना है, और कल सुबह ही नहा धो के तुरंत घूमने के लिए निकल जाएंगे। तो इसलिए भाई इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर रहे हैं हम। तो भाई जो भी इस वीडियो पे आ रहा है ना, पहले बार जो भी नया सब्सक्राइबर इस वीडियो पे आ रहा है भाई, लेके पूरी सीरीज आएगी, ये केवल पहली वीडियो है, तो भाई बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, रेगुलर वीडियो आएगी इस चीज़ के लिए। और कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स को अंकुर बाबू? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा मजा आ रहा है।
तो भाई इनको तो मजा आ रहा है और भाई आपको भी आई होप वीडियो देख के मजा आ रहा होगा। कल और डबल मजा आएगा नेक्स्ट वीडियो में भाई, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बने रहना और ऐसे प्यार देते रहना भाई, अच्छी अच्छी जगह आपको घुमाएंगे मस्त तरीके से एकदम। तो इस वीडियो को भाई लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना भाई, शेयर करना मत भूला करो। और बहुत लोग भाई आते, मैं चेक करता हूँ कि भाई जो सब्सक्राइबर नहीं है ना वो वीडियो तो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। I got zero friends.